गिरफ्तारी हुई है और पुलिस ने दोहा शूटरों गिरफ्तार कर लिया है। एक शूटर राजस्थान के मकराना का रहने वाला है और दूजा हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला दसा जा रहा है। कल राजपूत करनी सेना के मुखी का कतल होया सी। राजस्थान के जयपुर के दस दी कि घर च वड़ के कतल किया गया सी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है कि किस तरीके 18 राउंड फायर किए गए ने। दो शूटर ने दस दी कि ताबड़तोड़ गोलियां मारियां ने। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने मौके से ही दम तोड़ दिता सी। लॉरेंस के करीबी गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इसकी बकायदा जिम्मेवारी ली है। रोहित गोदारा राजस्थान के बीकानेर जिले के कालू थाना खेत्र का रहने वाला है, हार्डकोर क्रिमिनल है। बीकानेर का हिस्ट्री शीटर रोहित गोदारा 2010 तो लगातार दस दी कि अपराधी दुनिया कुख्यात गैंगस्टर है। लॉरेंस गैंग के खास गुर्गिया के रोहित की गिनती होंदी है और रोहित पिछले कुछ दिनों तो विदेश दे विच बैठ के वारदातों नूं अंजाम दे रहा है। तो यह एक्सक्लूसिव तस्वीर जिहड़ी है तुहानूं दिखा रहे हैं कि किस तरीके दे नाल इह गोलियां चलाईयां गईयां ने। 1, 2, 3, 4 इन्नियां नहीं बल्कि 18 राउंड फायर किए गए ने। किस तरीके दे नाल तस्वीर ने नितिन फौजी जिसनों गिरफ्तार किया गया है, यह दो शूटर ने जोड़े गिरफ्तार किए गए ने। एक्सक्लूसिव तस्वीर है ना दोवे शूटर की जिन्हों का असी जिक्र कर रहे हैं। यह दोवें गिरफ्तार किए गए ने। एक रोहित है शूटर जिसनों गिरफ्तार किया गया है, रोहित राठौर है इसका नाम। इसकी तस्वीर पुरानी तस्वीर जिसनों गिरफ्तार किया गया है और पहला शूटर भी वेख्या जा सकता है नितिन फौजी शूटर है। हालांकि यह फौजी सी या किस तरीके का क्योंकि परिवर्त फौजी भी पहला फौज च रहा इस करके उस नाँ के पिछले फौजी लगता है। हालांकि इस हिस्टरी की है यह जरूर सवाल है, पर नितिन फौजी इसका नाँ है और दूसरा शूटर है रोहित राठौर इसका नाँ है। तो इन्होंने वालों ताबड़ तोड़ गोलियां किस तरीके के चलाई गई ने। पहला गलबात की जाती है 20 से 25 मिनट तक करीब एक गलबात होंगी है उत्थे बैठ के, पर उस तो बाद ताबड़ तोड़ जिस तरीके सारी प्लैनिंग हुई है उस तो बाद कतल किया गया है। और एक जरा दस दी है कि पुलिस ने एनकाउंटर किया तो दो जे गैंगस्टर या कह लिए कि गुर्गे जिन्होंने एक कतल कांड नू अंजाम दिता, हूँ इन्हों काबू कर लिया गया है, इन्हों शूटर काबू कर लिया गया है। दोवें इन्हों की तस्वीर दिखा रहे हैं तो नितिन फौजी है यह पहला शूटर साफ तौर पर वेख्या जा सकता है और एक पुरानी तस्वीर दूसरे शूटर की है रोहित राठौर की, यह दूसरा शूटर है। तो पुलिस ने दोवे की गिरफ्तारी की है। पंजाब पुलिस ने दस दिए कि पहला ही अलर्ट किया और लगातार अजिहा थोड़े समय बाद ही यह वारदात जिहड़ियां ने वो वापरदियां ने। घटनावां या कह लिए कि बाकायदा रेकी करके वड्डे कतलकांड नूं अंजाम दिता जाता है तो वाकई हैरान करता है। और तस्वीरां दे विच वी इह शूटर जिहड़े ने कैद होए सन इस तरीके दे नाल गोलियां चलाउंदे ने, जांदे जांदे भी 5 से 7 गोलियां चला के ये फरार हो जाते हैं और जो गार्ड है वो खैर गंभीर तौर पर जख्मी है, पर जिस तरीके दे नाल कतल की वारदात अंजाम दिता गया तो यह पुलिस की गिरफ्त दे विच हुण दो जने आ चुके ने। पंजाब पुलिस ने दस दिए कि राजस्थान पुलिस को पहला अलर्ट किया। सुखदेव गोगामेड़ी की जान को खतरा दसया गया सी। सुखदेव गोगामेड़ी ने जिस तरीके दे नाल कई राउंड गोलियां चलिया 18 राउंड फायर किए गए उस दौरान मौके पर ही दम तोड़ दिता। तो भवानी सिंह ने मेरे सहयोगी फोन लाइन से जयपुर राजस्थान तो भवानी क्या कुछ जानकारी पूरी और दो शूटर अरेस्ट कर लिए गए, बड़ा कत्लकांड जिसको अंजाम दिया गया और सीधे तार गैंगस्टरों से। देखिए बड़ी बात है और इसका पूरा कनेक्शन पंजाब की बठिंडा जेल से जुड़ता है। ये दोनों जो गैंगस्टर है लॉरेंस गैंग के हैं, एक का नाम रोहित राठौड़ है और दूसरे का नाम नितिन फौजी है। एक हरियाणा का रहने वाला है महेंद्रगढ़ का, दूसरा राजस्थान के ही मकराना का रहने वाला है। इन दोनों दो ही हमलावर थे और तीसरा जो एक इनके साथ आया था वो सहयोगी वो था, उन्हीं का परिचित था सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का, जिसकी जिसको भी हमलावरों ने हत्या कर दी थी। इसमें टोटल दो लोगों की हत्या हुई है, एक सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, एक जो मिलवाने वाला था नवीन शेखावत उसकी हत्या हुई है। वो तीन लोग इसमें घायल हुए, एक स्कूटी सवार जिसकी स्कूटी लेकर ये दोनों शूटर भागे थे उसको भी इन्होंने गोली मारी थी, वो भी घायल है। तीन लोग अभी इस वक्त घायल है। तो अब पूरा जो कनेक्शन सामने आ रहा है कि पंजाब की बठिंडा जेल के अंदर मार्च 9 को पंजाब पुलिस ने सूचना दी थी राजस्थान पुलिस को कि बठिंडा जेल में संपत नेहरा गैंग है वो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की योजना बना रहा है। उसके बाद में राजस्थान पुलिस के राजस्थान एटीएस ने राजस्थान के एडीजी सिक्योरिटी को ये जानकारी दे दी कि हत्या की साजिश की जा रही है
और सुखदेव सिंह घोगा मेड़ी ने को इस बीच में धमकियां मिलने लगी जब लॉरेंस गैंग थे, तो उन्होंने पुलिस को भी बाकायदा लिखित के अंदर 3 बार उन्होंने सुरक्षा मांगी, लेकिन उनको सुरक्षा नहीं दी गई और उसी का ये नतीजा है कि सुखदेव सिंह घोगा मेड़ी की हत्या कर दी गई। सुखदेव सिंह घोगा मेड़ी काफी बड़ा नाम है राजस्थान के अंदर, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के वो अध्यक्ष हैं, काफी बड़े सामाजिक नेता माने जाते थे और इस तरीके से पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इससे काफी सवाल खड़े होते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो पंजाब से लेकर राजस्थान हरियाणा में ऑपरेट करती है, इस लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो लगातार वारदातों को अंजाम देती आ रही है राजस्थान के अंदर, इससे पहले राजू ठेठ हत्याकांड हुआ उसको भी लॉरेंस गैंग ने अंजाम दिया था, रोहित गोदारा जो इस वक्त कनाडा के अंदर बैठा हुआ है वो उसने कल इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी, तो ये लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, संपत नेहरा, ये लॉरेंस गैंग के जो मास्टरमाइंड है ये तीनों, ये लगातार पंजाब राजस्थान हरियाणा के अंदर इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इन पर जो एक्शन होना चाहिए उस तरीके से अभी नजर नहीं आया। जी ठीक है, ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सिद्ध तौर पर एक वड्डा जरा सिलसिला पिछले समय तो चलता आ रहा है, हालांकि जिक्र मेरे सहयोगी भी कर रहे थे कि सुरक्षा जी मंगी गई थी, क्योंकि पहला ही पंजाब पुलिस ने भी अलर्ट कर दिया, और जिसका जिक्र यह भी हो रहा है कि 3 बार जी है वो सुरक्षा की मांग की गई पर सुरक्षा नहीं दी गई और विचकार धमकियां भी आ रही सन और सिद्ध तौर पर अलर्ट भी सी, तो यह कतलकांड जरा है और एकदम तो अचनचेत नहीं वापरिया कह सकते, इस लैके पहला तो प्लानिंग चल रही सर, क्योंकि इनपुट्स जीडिया ने वो पुलिस के कोल पहुंच जाती ने, और तस्वीर असं दिखा रहे हैं तो कि आखिरकार जो शूटर ने 2 गिरफ्तार किए गए हैं, जिसका मेरे सहयोगी भी जिक्र कर रहे थे कि एक हरियाणा का महेंद्रगढ़ का रहने वाला है और दूसरा राजस्थान का रहने वाला है, ताकि इस तरीके कतलकांड अंजाम दिता गया है और सीधे तौर पर एक वड्डी घटना जी है वो वापरी है और 18 राउंड गोलियां चलाई गई ने जिसकी सीसीटीवी भी सामने आई है। एक बेहद अहम खबर यह भी है कि सुखदेव घोगा मेड़ी कतलकांड की साजिश बठिंडा जेल दे विच रची जाने का शक है और राजस्थान पुलिस की रडार से संपत नहरा दस दिए कि बठिंडा जेल दे विच बंद है गैंगस्टर संपत नहरा, तो संपत नहरा प्रोडक्शन वारंट से ले जा सकती है राजस्थान पुलिस, संपत नहरा से जेल दे विच कतल का शक है और साजिश रचन का यह शक है, तो रेकी करा कतल कराने का शक है, तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड है संपत नहरा, पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस को अलर्ट किया और सुखदेव घोगा मेड़ी की जान को खतरा दसया गया, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग संपत नहरा तो खतरा दसया गया, तो पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस को अलर्ट भेजे सन, इथों तक दसया गया कि अजिही इनपुट है कि संपत नहरा ने कतल के लिए AK-47 तक मुहैया कराई थी, यानी कि वड्डा मसला है बठिंडा जेल के रची एक खूनी साजिश, इस लैके वैध खुलासे हो रहे हैं।